बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप सबको मालूम ही होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत और परेशानी से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के यहाँ बिला सुबह अज्र व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत व रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और साथ साथ सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होगी। इस सदके को देने के लिए आपको दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिरी तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में तीन ऐसे सदके के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई भी दो सदके देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस तीनों में से कोई भी सदकों को देना शुरू कर देना है और उसके लिए आपको तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इससे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को नहीं देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन हम में से इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों और परेशानियां, तकलीफ़ और तंगी आती चली जाती है और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, हम पर बलाएँ नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब से हो रहा है। उन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई भी दो सदका को देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सदका आखिर क्यों दिया जाता है? इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशाद की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं या बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी लेकर सदका देने
देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानी से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करने करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में भी पहल करते हैं, यानी पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब भी सदके सदका करने के मुख्तलिफ तरीके। इस तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर सदका है। रास्ते में रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की इताअत करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना बावजूद कि आपके पास खुद को सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथ से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता। किसी काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको तीन सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन तीन में से आपने कोई से भी दो सदके को देना शुरू कर देना है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आँखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स यह सब करता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी से मसले मसाइल नहीं आते, रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानवर को कहते हैं जिनकी 4 टांगे होती है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर उसमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना खिलाना शुरू कर देता है, शर्त ये है कि ये चौपाए उसकी अपनी मिल्कियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रसूलल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि ए अली रसूलल्लाह तआला अन्हु, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रसूलल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐसा तुम अपने रिस्क में से अल्लाह तबारक तआला की गरीब मखलूक को देना शुरू कर दो तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मैं तो नहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, होता है याली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह के गरीब मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दो, फिर चाहे जानवर को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह ताला की बेजुबान मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में से हर किस्म की परेशानी और तंगी को ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह
भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का जो सदका है वो है हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाए। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे को भूख मिटाना अफसल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वह चाहता है हो कि मेरे इस काम से आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किलें दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के किसी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक ताला उसके काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देगा और उसे उस काम के मुतालिक हर किस्म के मामले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपने जितने भी मसले और जितने भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म के रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क, दौलत और पैसा आने लगे, या दूसरे अल्फाजों में कहा जाए कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बरसने लगे, तो आप ये काम ज़रूर शुरू कर दें। अगर आपकी हैसियत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन ये कहा जाता है कि जुमे रात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।